हेलो स्टूडेंट, एनडीए 2019 हो गया है। पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैथ्स का भी और जीएटी का भी। अब ये जो मेरा सेशन है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नेक्स्ट मूव आप लोगों की क्या होना चाहिए इसके ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिए। जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी दूर करना है। कई बार हमें कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन होता है, इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर कन्फ्यूजन होता है, वो सारी चीज़ें मैं दूर करता हूँ। और आपका स्कोर किस रेंज पे होने पे आप सेफ जोन में हैं, कहाँ पर आप प्रोबेबल जोन में हैं और कहाँ पर आप आउट हो रहे हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो पेपर था, एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि इंपिटस गुरुकुल के क्लासरूम और ऑनलाइन वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 450 के ऊपर भी स्कोर गया है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, करीब करीब 30 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे थे जो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते थे। इनफैक्ट मेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे, 31 और 2 स्टेप के क्वेश्चन थे। जो टेक्निक्स बच्चों को दी गई थी या जो आपके साथ शेयर की गई थी, उसका ऑब्वियसली आपको फायदा मिला होगा। अब आगे का मूव क्या है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है। मैथ्स का पेपर में 30 क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूम कर रहे थे, यानी थोड़े टफ थे या लेंथी थे। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ठीक से नहीं किया होगा तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस में आपका टाइम वेस्ट हो गया। जीएटी क्वाइट इजी था, इंग्लिश सबसे इजी था। अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए 2019 का एक प्रोबेबल बता रहा हूं, हो सकता है इससे कम जाए, 220 से 235 के बीच में होना चाहिए। बट हो सकता है, क्योंकि इस बार पेपर जो ओवरऑल, क्योंकि यहां के बच्चों का जो फीडबैक है या जो नंबर्स हैं वो अलग है, पर इन ऑल अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 300 भी जा सकता है। यानी अगर आप, ये एक सेफ जोन है, 300 से 320 के बीच में, मतलब मैं यहां पर आपको बोल सकता हूं कि 95% चांस है, या इवन 100 भी बोलूं, पर यहां 100 बोलना ठीक नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन है 300 से 320 में मुझे लगता है करीब करीब 70 to 80% चांस है। 290 तक 50-50 चांस हो सकते हैं, 280 से 300 के बीच में। इससे कम में बहुत ही, अब कट ऑफ कम ही चला जाए तो अलग बात है। और अगर मैंने इसलिए पिछले कट ऑफ लिखे हैं क्योंकि कट ऑफ 229 तक भी गया है, 258 भी गया है, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, पेपर को देखते हुए प्रोबेबल है। पर क्योंकि आज हम अपने आप को समझें, क्योंकि अगर हमने लीस्ट कट ऑफ पे गए तो हमारे नेक्स्ट मूव की डायरेक्शन रॉन्ग हो सकती है, इसलिए हमें हायर साइड पे जाना चाहिए। कभी भी याद रखिए कि हमेशा हायर साइड पे जाने का फायदा ये होता है कि हमारे मूव या हमारे एक्शन प्लानिंग राइट होती है। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पर जब, जैसे 2019-1 का कट ऑफ था 342 मार्क्स और मिनिमम परसेंटेज थे 25, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बार। इसका मतलब यह होता है कि एनडीए 1 जो 21 अप्रैल को हुआ था, उसमें किसी भी बच्चे ने मैथ्स 25% का मतलब होता है, मैथ्स में 300 मार्क्स होते हैं तो 75 और जीएटी के 600 मार्क्स में से 150। यानी अगर किसी ने मिनिमम मैथ्स में 75 या जीएटी में 150 स्कोर किया है तो कट ऑफ क्रॉस कर लेता। अब इस 342 का क्या मतलब है? अब 342 का मतलब समझ ले, यानी ये तो हो गया 225। अब जो बचे हुए नंबर हैं, कितने बचे हुए हैं? 100। अब देखिए 342 में से जब आप 117 बचेंगे 225 को, आप जब सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 117। यानी ये जो 117 मार्क्स हैं, ये मार्क्स चाहे मैथ्स में हो चाहे जीएटी में हो, आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा, यहां पर इस सब्जेक्ट का मतलब कई बार कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट कोड वाइज होता है यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश में अलग से कट ऑफ देखेंगे, हिस्ट्री में अलग से, इकोनॉमिक्स में अलग से, पॉलिटी में अलग से, फिजिक्स में अलग से या जीएस में अलग से, ऐसा नहीं होता। पेपर 1 और पेपर 2 की बात की जा रही है यहां पर, ये उसका मीनिंग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के मैथ्स में सपोज 200 मार्क्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एनडीए 1 की बात कर रहा हूं, कि अगर मैथ्स में किसी के 200 मार्क्स हैं और इसमें 150 ही है तो ओवरऑल स्कोर 350 ये क्वालिफाई है। पर अब इसका दूसरा एक बताता हूं,
कि मान लीजिए किसी के मैथ्स में 220 मार्क्स हैं और जीएटी में 140 मार्क्स हैं, नेट स्कोर होता है 360, बट ये डिसक्वालीफाई है। ये डिसक्वालीफाई क्यों है? क्योंकि इसका मिनिमम जो जीएटी के पेपर में मार्क्स चाहिए था वो नहीं है। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखें, क्योंकि ये थॉट आपके क्लियर होना चाहिए। आगे एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपका स्कोर कम है तो नेक्स्ट मूव क्या होना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। रेगुलर आपको कई सारे सेशंस लूंगा, अभी मैंने आपके साथ क्विक रिवीजन सेशन लिए थे। अब नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अब नेक्स्ट जो एग्जाम है वो अप्रैल 19 को है, इस बार का एग्जाम 19 अप्रैल को है, हमेशा अप्रैल के इसी समय होता है, बट क्योंकि एग्जाम नवंबर में हुआ है तो हमारे पास टाइम कम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो ओवरऑल देखें तो करीब करीब मान सकते हैं कि 5 मंथ्स है नवंबर का, क्योंकि अभी 17 से 19 तक, बट अभी क्योंकि पेपर से निकले हैं, अप्रैल में एग्जाम होना होता है, तो ओवरऑल टाइम देखूं तो मैं इन 4 महीने को ही काउंट करूंगा, क्योंकि अप्रैल रिवीजन का टाइम होगा, अभी आपको मेंटली अपने आप को तैयार करने का टाइम होगा, तो वो सारी चीजें लेटर्स मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब इस बात का आपको अगर मतलब समझ में आ गया होगा तो मेरे को लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर समझा रहा हूं एक बार कि मान लीजिए, एक बार अच्छे से समझिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप हायर जोन में या सेफ जोन में कैसे आएंगे। मान लीजिए कि 2019 में, जैसे मैंने अभी बोला कि जिस बच्चे के मिनिमम मार्क्स 342 हैं, लास्ट कैंडिडेट 342 पे सिलेक्ट हुआ है, बट उसके मिनिमम और 25% इस सब्जेक्ट का मतलब है मैथ्स में मिनिमम 75 और जीएटी में मिनिमम 170 कहीं पर भी होंगे, वो सिलेक्ट हो सकता है इनमें से। अब सपोज किसी बच्चे के मैथ्स में 60 नंबर है और जीएटी में, मान लीजिए ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जीएटी में मान लीजिए 400 मार्क्स है, ओवरऑल स्कोर है 460, 342 से वो कई गुना आगे है, बट ये बच्चा रिजेक्टेड है, ये इसका मतलब होता है। यानी आपको एक मिनिमम परसेंटेज पेपर 1 और पेपर 2 में चाहिए और ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी मार्क्स चाहिए। तो अब आपके पास यहां पर इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा 75 के ऊपर जितने भी नंबर लाए वो बोनस है, 150 के ऊपर जितने भी लाए, पर मिनिमम इसको टच करना जरूरी था एनडीए 1 के लिए। तो एनडीए 2 में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हम 25% से देखें तो क्या होगा, और 30% से, जब भी हायर साइड जाओगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। मुझे ऐसा लगता है इस बार भी 25% के आसपास ही जाएगा, यानी मैथ्स में 75 और जीएटी में 150, ये आपका हो गया 225। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन, मैंने अभी बोला 320 से 340, अब मतलब 100 के नंबर के आसपास और चाहिए। अब आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, कॉपी आप आपको आंसर दे दिया, इंपिटस गुरुकुल पर पूरी आंसर शीट भी डली हुई है, आप उसको चेक करें। मैथ्स में मैंने पूरे आंसर सॉल्व करके दिए, कुछ जगह पे ऐसा हुआ एक दो क्वेश्चन में कि मैंने आंसर सही लिखा है पर एक ही जगह बी बोल दिया है या कंसेप्ट में, वो आप देख लीजिएगा। तो पूरा आपको पेपर डिटेल दिया है और आप पूरे 1 to 12 पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ में आती है, क्योंकि क्वेश्चन का सिलेक्शन और सॉल्यूशन, इन दोनों अप्रोच को जब तक कमांड नहीं होगा आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मैं बात कर रहा था कि यहां पर आपको ये मिनिमम चाहिए, और अगर हम 30% की बात करें तो 90 नंबर चाहिए मैथ्स में और 180 नंबर चाहिए जीएटी में, और इससे स्कोर होता है 270। ये एक सेफ जोन है 100% वाला, ये भी 100% ही है। अब इधर भी अगर आपको 330 तक जाना है तो 60 नंबर कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। तो अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए आपका मैथ्स में स्कोर सपोज 80 है और जीएटी में मान लीजिए 220 है, तो आप 300 स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पे कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट अगर आपका मैथ्स में स्कोर 90 है और इसमें 230 ले लें जीएटी में, तो 320 यानी प्रोबेबल चांस आपके बढ़ गए। तो अब आपको ये चेक करना है कि आपके स्कोर्स क्या हो रहे हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है बताता हूं। लगभग हम देखें तो एनडीए 2 का कट ऑफ ऑलमोस्ट
एनडीए वन से थोड़ा कम ही होता। देखिए जैसे यहां पर वन में 342 है, टू का 325 है, उसी साल का 2018 का 338 है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं। 2017 की बात करें तो एनडीए टू का कट ऑफ 258 तक चला गया था, इतना भी कम जा सकता है, और 2017 का 342 था, मिनिमम 25%, 25% का मतलब मिनिमम इतने नंबर चाहिए। अगर 2016 की बात करें तो 229, 2016 में 229 और मिनिमम 20% था, मिनिमम 20% यानी मैथ्स में 60 नंबर मिनिमम किसी के आए हैं, और जीएटी में किसी के 120 मिनिमम आए तो सिलेक्ट हुआ। पर फिर कंफ्यूज मत होना, ये मिला के 180 होता है, बचे हुए नंबर जो होते हैं जैसे 49 बचे, वो किसी एक में जुड़ना चाहिए या दोनों में बैलेंस हो जाए, यानी 70-39 यहां हो जाए, 40 मान लो 100 यहां है तो 120 यहां पर है तो 129, जैसे मान लो किसी के मैथ्स में 100 है और इसमें 129 है तो 229 हो गया। ये मिनिमम का बात है, और 2016 वन में 288 था यानी 25%। तो अभी पर देखें हम तो 2018 और 19 में करीब 300 को क्रॉस करके गया है, तो हम इसीलिए एक 300 की रेंज लेके चल रहे हैं कि अगर आपका 300 के आसपास स्कोर आ रहा है तो एक आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। बस आप ये चेक कर लीजिए कि मैथ्स में अगर 90 मार्क्स हैं बहुत अच्छा है, और जीएटी में 180 क्रॉस हो रहा है मिनिमम तो बहुत अच्छा। अब आप में से किसी बच्चे ने, जैसे यहां पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जिस ढंग से करवाई गई थी यहां पर, कई सारे बच्चे ऐसे जिनके 80 75 80 तक राइट हुए, तो उन्होंने मैथ्स में अपना स्कोर बढ़ा लिया, तो उसका फायदा ये मिला जैसे अब उनके स्कोर 450 हो रहे हैं, तो उसको आगे जाके रैंक में फायदा मिलेगा, पर कट ऑफ से भी क्लियर कर गए। जैसे ही रिजल्ट आएगा इन सारे बच्चों से मैं आपको मिलवाऊंगा, अभी भी क्लासरूम वाले भी और इस बार ऑनलाइन वाले भी जब आएंगे तो मिलवाऊंगा, तो आप खुद उनसे मिलेंगे, समझेंगे कि किस ढंग से किस टेक्निक से किए, क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे। इनफैक्ट आपने अगर क्विक रिवीजन सेशन किए होंगे, नहीं किए तो देखना आप, उनमें कई सारे क्वेश्चंस जो कंसेप्ट बताए थे वो डायरेक्टली आपको अप्लाई करने को मिले। तो ये एक प्रोबेबल चीज थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बात आती है कि अगर आपका स्कोर 25% से कम हो रहा है तो बहुत ही रेयर चांसेस है, क्योंकि 20% गया जरूर है पर एक दो बार ही गया है, तो बहुत ही रेयर चांसेस। इनफैक्ट 30% भी मिनिमम गया है पर वो भी बहुत ही रेयर गया है, नॉर्मली 25% के आसपास जाता है। तो अब अगर आपका मैथ्स में 75 से स्कोर कम हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे फोन किए थे जो नए बच्चे हैं, या सपोज जीएटी में 150 से स्कोर कम हो रहा है, इनमें से किसी एक पेपर में अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि इस समय आपको फिर से एनडीए के लिए प्रिपेयर कर देना चाहिए। एनडीए 1 2020 जो कि 19 अप्रैल को है, इमीडिएटली एक्शन लेना है। और किसी का स्कोर 300 क्रॉस कर रहा है और मैथ्स में और इसमें मिनिमम इतने ऊपर हो रहे हैं तो भी उसको एसएसबी के साथ एनडीए 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट, एनडीए 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज एसएसबी में कई बार हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, फिर भी कभी कभी बैच में किसी एक की मिस्टेक से भी पूरा बैच आउट होता है, या अपने को भी पता है कि रिजेक्शन रेट 99% है। इस डजन मीन कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, 100 में से एक बच्चा तो होता है, वो एक आप हो भी सकते हैं नहीं भी। इसलिए आपको अगर डिफेंस में जाना है तो अपना अगला एक्शन तो लेना ही होगा, नहीं लेंगे तो रुकना है ही नहीं। डिफेंस एग्जाम ही ऐसा है कि हमें रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। अगर आपका ये एनडीए बाई चांस लास्ट था तो आपको अगले मूव पे सीडीएस पे जाना चाहिए, और अगर आपके एनडीए के अटेम्प्ट बचे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। अब बात आती है कि एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मैं आपके साथ एसएसबी का एक बिल्कुल सेपरेट सेशन लेने वाला हूं, वो रेगुलर मिलेगा आपको, जिसमें मैं आपसे काफी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अभी एक बेसिक आइडिया दूंगा कि एसएसबी के लिए क्या करें, और जिनका स्कोर कट ऑफ मार्क्स से कम हो रहा है उनको क्या करना, उसके लिए भी सेपरेट सेशन लूंगा। ये बिल्कुल सेशन था, एक्सक्लूसिव सेशन था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं। अब एसएसबी का मतलब होता है आपकी एक्चुअल लाइफ स्टाइल, यानी आप रियल में क्या है। हमेशा आपको जब आप एसएसबी की कई बार ट्रेनिंग करते हैं या सुनते हैं तो बोला जाता है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना चाहिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिनको ये लगता है कि 15 ऑफिसर क्वालिटी होने से सिलेक्शन होता, ऐसा नहीं है। जिनमें होती उनका भी नहीं होता, और जिनमें नहीं होती उनका भी कई बार हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक स्ट्रांग एटीट्यूड होना, डिसिप्लिन होना आपकी लाइफ में। तो अभी से आपको अगर कुछ करना है तो अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन बनाइए। सोचिए
कि अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक लेफ्टिनेंट में आपको क्या क्वालिटी दिखती है, एक कर्नल में क्या क्वालिटी दिखती है, एक पायलट में क्या क्वालिटी दिखती है, वो क्वालिटी अपने अंदर लाने के लिए सोचिए। आप सोचिए कि कभी भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, राइट, तो क्या होता है, सेना को बुलाया जाता है, कहीं पर भूकंप आई है, बाढ़ आई है, कोई भी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमेशा जवान को बुलाया जाता है। रीजन, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में एक्शन ले सकते हैं। सोचिए कि कहीं पर बाढ़ आई है, अगर कोई ऐसा इंसान गया जिसको टाइम लग रहा है, जब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर सेना की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि वो उस ऑपरेशंस में जाके बहुत लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं वो लोग सबसे अच्छे होते हैं इस फील्ड के लिए। तो अपने आप को थोड़ा सा एक आइसोलेटेड करिए। दूसरा, न्यूज़पेपर्स की रीडिंग की आदत डालिए, द हिंदू की। आप एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि एसएसबी हिंदी में होता है या इंग्लिश में, मैं पहले क्लियर कर दूं कि एसएसबी इंग्लिश में होता है, पर बहुत अच्छी इंग्लिश होना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लिसनिंग अच्छी हो आपकी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने की आदत डालिए और तेज साउंड में करिए। खुद जब आप सुनेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो कुछ बेसिक हैबिट्स है जो एसएसबी के लिए आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि कहीं पे 14 दिन की ट्रेनिंग से एसएसबी का निकलना पॉसिबल है तो ये गलत सोचते हैं। बल्कि आप अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे जो कहीं ट्रेनिंग नहीं करते वो इजीली एसएसबी में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीजें वो आपको लानी है। यानी आपको अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि वो जो क्वालिटी पूछते हैं आपसे, वो क्वालिटी पूछना नहीं है, बताना नहीं है, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, और वो रिफ्लेक्ट करेगी तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि एनडीए की अगली प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा जिनके स्कोर्स कम है उनको इमीडिएटली एक्शन लेके अगले एनडीए की तैयारी करना चाहिए। हम लोग भी यहां पर जो न्यू बैच है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहां पे बहुत सारे आउटसाइडर थे, वो सभी अब क्योंकि घर जाएंगे या आप लोगों ने पेपर दिए, आप अपने माइंड को सेट करेंगे। तो 2 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा और एग्जाम तक ये बैच रहेगा, क्योंकि इस बार जो बच्चे आए थे उन्होंने भोपाल सेंटर लिया था, ऐसे ही आपको करना है। तो ये 5 मंथ्स का करीब बैच रहेगा और इस 5 मंथ्स के मैच में 4 मंथ में सिलेबस और आखिरी मंथ में टेस्ट सीरीज जैसा करा था। और अच्छी बात है कि इस बैच के साथ साथ हम लोग 2 चीजें होंगी, एक क्लासरूम प्रोग्राम और एक ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑनलाइन का मतलब क्या, मैं पहले क्लियर कर दूं कि लाइव क्लासेस मिलेंगी इसमें, जिसका नेक्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें मैथ्स के साथ साथ आपको जीएटी के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल स्टडीज और इंग्लिश की भी क्लासेस में मिलेंगी। वीकली आपको शेड्यूल होगा, करीब 3-5 आवर की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको एवरी डे ये, और संडे को आपके टेस्ट भी हुआ करेंगे, और जो जो असाइनमेंट, जो जो पेपर यहाँ क्लास में मिलते हैं वो भी मिलेंगे। तो ये 2 दिसंबर से हम लोगों ने ये भी प्लान किया, क्योंकि कई बार आप में से जो ऑब्वियसली 12th क्लास में, क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि सर अभी हम 12th में, क्योंकि NDA-1 के बाद NDA-2 में नॉर्मली वो बच्चे आते हैं जो 12th पास आउट होते हैं, पर NDA-1 अगला देने वाले बच्चों में सबसे बड़ा परसेंटेज होता है जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है, तो ऐसे में वो मूव नहीं कर सकता 12th एग्जाम की वजह से। इसलिए ये पहला लाइव बैच हम लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम कोर्स देते थे ऑनलाइन कोर्स अभी भी है, पर वो पेन ड्राइव के फॉर्म में होता था, अब उसके कॉम्बिनेशन होंगे, यानी आपके पास पेन ड्राइव कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स भी होगा। उसका एडवांटेज है कि जो टॉपिक क्लास में होने वाला है वीकली शेड्यूल में आपको पता रहेगा, वो आप पहले से पढ़ के रखेंगे, फिर क्लास अटेंड करेंगे तो आपका कंसेप्ट ज्यादा बनेगा और उसमें इंडिविजुअली आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा आपके साथ, और इसका रजिस्ट्रेशन मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। तो ये एक सेपरेट चीज हुई जो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो यहां पर बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि कट ऑफ का मतलब क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मिसगाइड बिल्कुल मत होइए कि इंग्लिश का अलग से देखा जाता है, जीएस का अलग से देखा जाता है, फिजिक्स का ऐसा नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 का ही देखा जाता है। और मिनिमम परसेंटेज का मतलब कभी भी याद रखिए, फिर ये ध्यान रखना कि अगर इस साल 25% मैंने बोला है तो 75 नंबर और 150 नंबर मतलब 225 पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो कट ऑफ है, मान लीजिए कट ऑफ इस बार 299 गया, तो बचे हुए नंबर मिनिमम इतने नंबर के बाद इनमें इस किसी एक पेपर में से आपको लाने होंगे। तो यहां पर इतना ही बोलूंगा, पॉजिटिव माइंड से अपने आप को फिर से तैयार करिए। कट ऑफ को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप 300+ स्कोर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को एसएसबी के लिए मेंटली प्रिपेयर करें, नहीं कर पा रहे हैं तो एनडीए के लिए प्रिपेयर करें। और दूसरी बात, एसएसबी की प्रिपरेशन तो लॉजिकली तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप सोच लेते हो कि आपको डिफेंस में जाना है,
क्योंकि वो आपकी रियल लाइफस्टाइल है। तो अपनी लाइफस्टाइल को एक डिसिप्लिन के साथ, एक रेगुलर पंचुअलिटी के साथ फॉलो करिए, अच्छे थॉट के साथ पढ़ाई करिए, कभी भी कोई निराशा मत रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।